हेलो बच्चों कैसे हो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे ठीक है बच्चों आज हम एसन टू रिएक्शन डिस्कस करेंगे ठीक है एसन टू मीन्स सब्स्यूशन न्यूक्लोफीलिक बायोमालिकुलर ठीक है बच्चों अब एसन टू रिएक्शंस मीन्स सब्स्यूशन न्यूक्लोफीलिक बायोमालिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं आइए जानते हैं ये एक न्यूक्लोफिलिक रिएक्शन है इसमें अगर बायोमालिकुलर है इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लोफाइल पे ठीक है ठीक है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अगर एस एन टू रिएक्शन होगी ठीक है तो इसका सिंपल तरीका यही है आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब्स्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मालिकुलर है बाय बायमालिकुलर वर्ड जब आता है तो बाय मालिकुलर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किस के बराबर किस पे डिपेंड होता है सब्सिटेट और न्यूक्लियोफाइल पे ठीक है यहाँ पे के जो है ये रेट कांस्टेंट है ठीक है जैसा कि एस एन वन में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिपेंड करता था सिर्फ सबस्ट्रेट पे, ठीक है रिएक्टेंट्स पे, ठीक है सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट्स तभी उसको हम यूनिमालिकुलर रिएक्शन कहते थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लोफाइल पे डिपेंड है ठीक है रिएक्शन जब तक न्यूक्लोफाइल ना हो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी बट एस एन वन में ऐसा नहीं था उसमें जो रिएक्शन थी वो पहले सब स्टार्ट करता था उसमें लिविंग ग्रुप लीव करता था तो न्यूक्लोफाइल बाद में अटैक करता था नेक्स्ट स्टेप में ठीक है एस एन टू रिएक्शन में जो न्यूक्लोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है वो साथ, -साथ होता है ठीक है ये प्रोसेस साथ साथ होता है न्यूक्लोफाइल भी अटैक करता है और लिविंग ग्रुप भी लिव करता है ठीक है ये साथ साथ होता है किसमें एसन टू रिएक्शन में आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एसन टू रिएक्शन क्या होती हैं एसेंटू रिएक्शन में क्या होता है रिएक्शन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होती है ठीक है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है ठीक है फिर न्यूक्लोफाइल अटैक और लिविंग ग्रुप एक साथ होता है ठीक है न्यूक्लोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव होता है ठीक है आइए देखते हैं सपोज़ हमारे पास ये सबस्ट्रेट है ठीक है और ये न्यूक्लियोफाइल है ठीक है न्यूक्लोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा जब अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं ये आ गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट ठीक है ट्रांजिशन स्टेट आ गई अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद इसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है ठीक है अब क्या होगा ये जो लिविंग ग्रुप है एक्स ये लिव करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ठीक है तो ऐसा होगा ये हमारे पास प्रोडक्ट बना प्लस एक्स लीव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके ठीक है तो ये न्यूक्फिल अटैक और लिविंग ग्रुप का लीव करना ये एक साथ होता है एस रिएक्शंस टू में ठीक है बच्चों आइए हम एग्जांपल लेते हैं सपोज ये हमारे पास एक न्यूक्फाइल है ठीक है और ये हमारे पास आ गया सबस्ट्रेट ठीक है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव होगा ये सब साथ साथ होगा ठीक है इसकी हम ट्रांजिशन स्टेट ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अब क्या होगा ये बी आर यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ठीक है हमारे पास ये प्रोडक्ट बना ठीक है ये वही होता है सी एच थ्री ओ एच ये है मेथनॉल ठीक है ठीक है बच्चों तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ऐसे टू रिएक्शंस सब्सुशन न्यूक्लोफिलिक बामालिकुलर रिएक्शन होती है इसमें जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लोफाइल दोनों पर डिपेंड होता है ठीक है सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट तो उसके बाद ये रिएक्शंस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है न्यूक्लोफिलिक अटैक और लिविंग ग्रुप का लिव होना वो साथ साथ होता है ठीक है इस रिएक्शन में जो रेट है वो डिपेंड करता है सबस्टेट पर और न्यूक्लोफाइल पे ठीक है दोनों पे मतलब सबस्ट्रेट और न्यूक्लोफाइल के बगैर रिएक्शन नहीं होती है तभी इसको बाइमालकुलर रिएक्शन कहते हैं ठीक है तभी इसको सब्सूशन न्यूक्लोफिलिक बाई मालिकुलर रिएक्शन कहते हैं ठीक है बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा ठीक है